नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर युवाओं से एक अपील की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमें जगाना होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन बेड और जो व्यवस्थाएं हैं उसकी इतनी कमी है, उससे लोग मर रहे हैं। व्यवस्था नहीं है, बेड की नहीं है, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी देखने जाओ तो पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में हालात एक पूरे नॉर्मल है, उधर कुछ भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जनता को मज़े से जनता जी रही है, उनको बेड मिल रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम ऑक्सीजन मिल रहे हैं, सब कुछ क्लियर है। हमारे मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है, उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हालात इतने गंभीर है कि दर्दी को बेड नहीं मिल रहा है, तात्कालिक सारवार नहीं मिल रही है, वेटिंग में चलना पड़ रहा है। इससे कैसे होगा, कैसे बचेंगे, जनता कैसे बचेगी? ऐसे तो इंसान कम होते जाएंगे, रोज के इतने केस बढ़ रहे हैं। सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं। जब कोरोना चल रहा था, कोरोना फैल रहा था, तब हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिहार में ना सब जगह, माफ कीजिएगा, बंगाल में ना सब जगह रैलियां कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी स्टार प्रचारक थे। और अभी चुनाव खत्म हुआ तो अभी बैठकें कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तो होम क्वारंटाइन है, अभी उनको हम कुछ बोल भी नहीं सकते। पर उधर से तुम व्यवस्था तो ठीक कर सकते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं कर सकते। आप वीडियो बनवा सकते हो, आप सोशल मीडिया से बात कर सकते हो, तो आप व्यवस्था भी कर सकते हो। और आप ऐसा बोल रहे हो कि यूपी में सब ठीक है, मुख्यमंत्री जी कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर एक अपील की थी कि मैं देश व विशेषकर उत्तर प्रदेश के युवा से एक विशेष अपील करता हूँ कि वो अपने को सुरक्षित रखते हुए देश प्रदेश में हो रही ऑक्सीजन बेड व दवाइयों की कमी को सोशल मीडिया पर ऑडियो वीडियो फोटो ट्वीट के माध्यम से उजागर करें। शायद इससे ही सोती हुई भाजपा सरकार जागेगी। सो गई है उत्तर प्रदेश की सरकार, सोई हुई है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जिसको कोरोना हुआ है उनका टाइम पे इलाज नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हालत बहुत ख़राब है, देखने जाओ तो पूरे देश के हालात ख़राब है। कहीं भी बेड की व्यवस्था नहीं है। आप गुजरात देख लो, एमपी देख लो, महाराष्ट्र देख लो, कहीं भी देख लो। अरे गुजरात में तो ये हालत है कि अगर तो आखिरी स्टेज पे है ना, कोई एजेड जिसको कोरोना हुआ है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये हद तक है के उनको तो धक्के मार के निकाला जाता है बाहर। इस तरह के सरकार ने व्यवस्था की है सभी जगह। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी है वहाँ बहुत बढ़िया सेवा है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों, सभी व्यवस्था के नाम पे एक जीरो है। दोस्तों, कोरोना की वजह से बहुत खराब हालात है। आपको बस यही बताऊंगा, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना काम हो उतना ही बाहर जाइए, वापस घर पे आके रहिए, वही इसका एक इलाज है। सैनिटाइज करते रहिए हाथ को, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क ना उतारे। मास्क दोस्तों बहुत सबसे बड़ी दवाई है कोरोना से लड़ने की। दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने एक अपील की है कि अगर आपको सरकार की व्यवस्था के कोई भी वीडियो ऐसे गलत मिलते हैं जहां बेड की कमी है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, दोस्तों ऐसे तो ट्वीट भी डिलीट करवा रही है सरकार, फिर भी अखिलेश यादव जी ने अपील की है देश के युवाओं को और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को कि आप ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए शेयर कीजिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ना वो जाग जाए। अभी वो सोई हुई है, गहरी नींद में सोई है। दोस्तों, अगर आप ये जानकारी से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों,
मिलूंगा एक अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ।